महाराष्ट्र के जालना में राव साहब दानवे इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनको किसानों के आंदोलन के पीछे अब चीन और पाकिस्तान दिख रहा है। अखिलेश जी सुनिए जरा, आंदोलन समझे शेतकरी का आंदोलन नहीं है, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाने उत्सव काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिने सगळ्या मुसलमानला या राज्याच्या बाहेर जावं लागेल, दाखवितलं का मुसलमान बाहेर गेला तो। बस यही एंगल एक आना बाकी था सुधांशु जी। देखिए मैं सारी बात, यही एंगल आना बाकी था। बिहार के डिप्टी सीएम मोदी जी भी कह चुके हैं, हरियाणा के एक और एमपी कह चुके हैं बीजेपी के, ये कई दिनों से आदमी है। कुछ और बता दूं कहिए तो इसकी कमियां, इसके बाद बोलिएगा सुधांशु जी जवाब दें इसका। एक तो जो वो कह रहे थे कि आप सारे सरकारी गोदाम सब खत्म करना चाहते हैं, आप फूड प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से खत्म करना चाहते हैं, लिखित में क्यों नहीं देते हैं, और ये जो दानवे पाकिस्तान का हाथ दिख रहा है। मैं एक बात, एक 10 सेकंड के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी हट धर्मिता क्यों कर रहे हैं आप? किसान आपके, ये देश किसानों का है और किसान कृषि प्रधान देश है, इस बिल को निरस्त करिए, किसानों को दुआएं लीजिए, वाहवाही लीजिए, नया बिल लाइए। सरकार को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। जवाब सुनो, बात करिए लोगों से, सुधांशु जी बिल लाइए, और आप भी अगर भला चाहते हो तो ये करिए, नहीं तो अगर सेठों का भला चाहते हो तो आप अपने अहंकार, अपने घमंड और अपने तेज में पड़े रहिए कि हम जो सत्ता है भैया, सत्ता है, सल्तनत नहीं है, सत्ताएं बदल देती है जनता 5 साल में। बोल रहे सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं अखिलेश जी, सुनिए जवाब। चीन पाकिस्तान ने करा दिया सर, अभी वो भी स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। उन्होंने जो बोला, देखिए अभी आपके सामने क्या बोला, इसको रिवर्स करके देखा जा सकता है। पहले वाक्य में बोला हमारे मित्र अखिलेश जी ने एमएसपी खत्म कर दिया है, लोग रखना ही नहीं चाहते। जब आपने कहा कि सरकार ने बताया इतना एमएसपी, तो कहते हैं वो तो फूड सिक्योरिटी एक्ट इसलिए लिया है। तो भाई आपके दूसरे वाक्य से पहली बात की बात कट गई कि आपने कहा एमएसपी खत्म कर दिया, तो खरीद रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। अब दूसरी प्रश्न आता है कि साहब अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी कंपनी है पेप्सी, अगर उसको अपने राज्य में लाकर स्थापित करके सीधे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाया है तो पंजाब में, और अभी पिछले साल मार्च 2019 में। तीसरा, इन्होंने अंबानी अडानी की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अडानी को 7 राज्यों में एफसीआई के प्रोक्योरमेंट के लिए 2007 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 2005 और 6 में यूपीए सरकार ने किया, जिसमें 12% का एंश्योर्ड रिटर्न था, यानी वार्षिक 12% उनको मुनाफा होगा ही होगा, उसके लिए एफसीआई का प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? अडानी। और ये तो ऐसे बोलते जैसे अंबानी अडानी 2014 से पहले खोमचा लगाने वाले थे और अब तो अरबपति हो गए। मान्यवर खरबपति अरबपति आपके जमाने में बने, और मैंने ये भी बता दिया किसानों के साथ क्या किया। अब तीसरी बात ये कहता हूं, जो आपने बात कही विदेश वाला एंगल आना था, तो अंजना जी मैंने पहले ही कहा, ये जरा बता दें कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री, स्पेन के नेता, ब्रिटेन के नेता और ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि उनके पक्ष में है या नहीं, अगर ये मौन है तो ये विदेश के मामले पर स्वीकृत होने को तैयार है,